आज हम क्या देखें? चलो न्यूज़ देखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, शहर में खतरा आ रहा है। वो किस बारे में बात कर रही है? लगता है हम मुसीबत में हैं। यहाँ एक ज्वालामुखी फटा है जिसका लावा हर जगह है। ओ नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम क्या करेंगे? इससे बचने का सोचो। गुड बाय, हमें यहाँ से जाना होगा। स्यू, याद रखना, जो भी तुम करो घबराना मत। जब लावा आपके पास आ रहा हो तो आप शांत कैसे रह सकते हैं? हमें बस एक हैंगिंग शेल्टर बनाना है। चलो इसे पर्दे से बनाना शुरू करते हैं। वो रस्सी और वो हुप ले आओ। स्यू, हो गया। अब हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट के लिए सारा सामान है। दो हुप्स को साथ में बांधे, ये हमने कर दिखाया। और अब सारे एक्स्ट्रा हिस्से को काट दे। रस्सी कहाँ है स्यू? हमें वो फ्रेम के लिए चाहिए। अभी तक सब बढ़िया चल रहा है। अब हमें सबसे जरूरी चीज करनी है। शेल्टर को जमीन के ऊपर लटकाओ, रस्सी को बांधे, ध्यान रहे वो टाइट हो। ये काफी ऊंचा है लेकिन इसे आरामदायक होना चाहिए, जिसे आप ब्लैंकेट के बिना नहीं बना सकते। और जरूरी सजावट, इस तबाही से बचना मजेदार हो सकता है। चमकदार रिबन और कुछ कुशन इसे और मजेदार बना देंगे। ये जगह बहुत आरामदायक है। ये शेल्टर बहुत प्यारा है लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही सीट है। मेरा क्या होगा पेनी? ये सही है, आप अपने फ्रेंड को मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। चलो कुछ सोचते हैं। पेनी, हमें घर की जरूरत है। लावा कोल की गली में आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए उनको जल्दी काम करना पड़ेगा। चलो इन बोर्ड्स को घिसते हैं। ये आसान है, ये मेनिक्योर की तरह लगता है। पेनी, ये बहुत धीरे है। चलो इसे अच्छे से 100 के साथ करते हैं। इससे बहुत जल्दी हो जाएगा। इस घर को हर मुसीबत से बचने जैसा बनाना होगा। अगर आपको स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करना आता हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हो गया, अब मुश्किल हिस्से की बारी है। चलो इस घर को पेड़ पर लटकाते हैं, फिर हम लोग सेफ रहेंगे। लेकिन ऐसा लगता है स्यू रस्सी फेंकने में अच्छी नहीं है। हे भगवान, कोई बचाओ, पेनी फंस गई है। मैं रस्सी छोड़ने वाली हूँ। उप्स, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? क्या तुम ठीक हो पेनी? किसे पता था ये काम इतना खतरनाक हो सकता है। और ये दोस्त के लिए तैयार है। घर ऊंचाई पर है, इसमें कोई लावा नहीं आ सकता है। हे पेनी, मैं यहाँ हूँ। तुम बहुत ऊपर चढ़ गई हो। चिंता मत करो, हमारे पास रस्सी वाली सीढ़ी है। ऊपर आ जाओ। ओ नहीं, पेनी को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। ये सीढ़ी थोड़ी कमजोर लगती है। रुको स्यू, मैं अभी आती हूँ। पहले सेफ्टी, पहाड़ चढ़ने वाले कपड़े पहनकर पेनी चढ़ाई के लिए तैयार है। मेरे लिए रुको स्यू, मैं आ रही हूँ। ये बहुत डरावना है। पेनी, हिलना मत, मुझे तुम्हारी एक फोटो लेनी है। उप्स, आराम से लड़की, मैं अभी गिर जाती। चिंता मत करो पेनी, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। बस आराम से, नीचे मत देखना। मैंने कर दिखाया, मैं ऊंचाई पर हूँ। ये बहुत सुंदर है ना? लेकिन कुछ मिसिंग लग रहा है। हमारे नए घर को सजाने का समय आ गया है। ये यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। चलो इसे छत से लटका देते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है। देखो मुझे क्या मिला स्यू। ओ नहीं पेनी, ये बहुत ही अजीब चीज है। इससे अजीब आवाजें आ रही हैं। ओ नहीं, ये तो मधुमक्खी का छत्ता है। और ये रिबन्स आखिरी हैं। हेलो, तबाही कब आएगी? पेनी को बात करते हुए परेशान होना अच्छा नहीं लगता है। ओ नहीं, ये तो सांप है। पेनी, ठीक है, बहुत हुआ। बहुत सजा लिया। दोस्त सेफ है, लेकिन नीचे क्या हो रहा है? उन्हें ये भी पता होना चाहिए। चलो देखें, देखें। यहाँ पर बहुत शांति है। परेशान मत हो,
मुझे भी देखने दो। वाह, उसे देखो, हमारे ठीक सामने खाना है। स्वादिष्ट फ्राइड चिकन है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है सियू। हम शेल्टर को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन हम फिशिंग रॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हमें फिशिंग शुरू करनी चाहिए? रॉड को ऐसे करो और एक शानदार कैच का इंतजार करो। दोस्त, आज तुम्हें लंच नहीं मिलेगा। रस्सी को वापस लपेट ले। जरा रुको पेनी, ये मेरा शिकार है। ओह हाँ, मुझे रॉड दो। और पेनी भी चिकन पकड़ने में माहिर है। हो गया, खाना हुक में फंस गया। खींचो। वाह, कितना बड़ा पीस है। पेनी की किस्मत अच्छी है। चलो, तरस खाने की जरूरत नहीं है और तुरंत खाने की पूरी बकेट ही ले लेते हैं। ये तबाही है दोस्त, बुरा मत मानना। बाय बाय। ये ठीक है, दुनिया का खत्म होने का इंतजार करना बहुत थका देने वाला काम है। काश मैं तबाही के बारे में कुछ मजेदार सोच पाती। मेरे पास एक आइडिया है पेनी। चलो हैंगिंग हाउस में पार्टी करते हैं। लावा आ रहा है और ये बहुत मजेदार होने वाला है। ये रही लाइट, यहाँ म्यूजिक भी है। एक बढ़िया पार्टी के लिए और क्या चाहिए? हमारा लेमोनेड कहाँ है? नीचे के लोग बहुत परेशान हैं। वो अचानक से बारिश की चपेट में आ सकते हैं। हे तुम, थोड़ा ध्यान से। हमारी पार्टी किसे पसंद नहीं आई? थोड़े कंफेटी कैसे रहेंगे? इस तबाही में भी मजे कर सकते हैं। हैंगिंग हाउस में सोना बहुत मजेदार है। ओ नहीं, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? पेनी, लगता है वो शुरू हो गया है। लावा आ रहा है। ये कैसी आवाज है? पेनी, देखो, वहाँ पर एक डॉगी है। ये बहुत प्यारा है। अगर हम इसे ऐसे छोड़ देंगे तो वो मर जाएगा। हम रेस्क्यू मिशन शुरू करने वाले हैं। हुक उसके कॉलर में फंस गया है। इसे ऊपर खींच रही हूँ। ओ नहीं, डॉग फ्राइड चिकन नहीं है। फिशिंग लाइन इसे खींच नहीं पाई। पेनी, हमें कुछ करना होगा। परेशान मत हो दोस्त, हम डॉग को रस्सी से ऊपर लाने वाले हैं। हाँ, होममेड एलिवेटर बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसे ऊपर खींचो। हे दोस्त, क्या तुम ठीक हो? हमने कर दिखाया पेनी, लेकिन ऐसा लगता है वो लावा अभी तक शहर में नहीं पहुंचा है। लड़कियां गलत थी, ये बारबेक्यू है, लेकिन यहाँ ऊपर रहना ही सही है। तूफान आ गया है, लेकिन हैंगिंग हाउस काफी मजबूत है। सियू, ध्यान से, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। हेलो, इमरजेंसी सर्विस, हमारे यहाँ लावा की जगह तूफान आ गया है। बचाओ, फोन काम नहीं कर रहा है। ये अंत की शुरुआत है। भागो सियू। पेनी, रुको, वरना गिर जाओगी। सीढ़ी को पकड़ो। चलो नीचे चलते हैं। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। रुको, सिर्फ असली घर ही तूफान को सह सकता है। चलो अभी के लिए यहाँ बैठ जाओ, ठीक है? लावा बाद में भी आ सकता है। ये तूफान बहुत डरावना था। प्यारे व्यूअर्स, ये एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट है। आज के लिए लावा कैंसिल है। शहर में बारिश और तूफान आएगा। क्या? तो हमें हैंगिंग हाउस की अब जरूरत नहीं है और हम आपको बाढ़ के बाद मिलेंगे। तैरने के लिए तैयार हो जाएं। हमने बहुत मेहनत की थी और अब हमें एक बोट बनानी पड़ेगी। क्या आपको हमारी वीडियो पसंद आई? तो इसे लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप लावा से कैसे बचना पसंद करेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को क्लिक करें, जिससे आप ट्रूम ट्रूम वाओ की नई वीडियोस और लाइफ हैक्स मिस ना करें।